हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नया इंटरेस्टिंग व्लॉग में। हम सब बढ़िया हैं, आशा करता हूँ आप सब भी बढ़िया होगी। ये देखो, अभी मम्मी ने इतने सारे तोड़ रखे ने दाढ़ी। ये खराब नहीं होते, बल ये सूखते हैं, मतलब इन्हें बाद में कहीं भी खाओ। अभी सांप आया था, कह रही मम्मी। कहाँ था मम्मी? आया कहाँ पे था ये बता। थाली में आया था ये रोड में। कहाँ कहाँ तू भगा दिया? और वहाँ फेंकाई उसको नाली पे। वो जो ये घर है इसके आसपास और पाइप है। अच्छा, उससे उधर, ये घर से भी उधर तक छोड़ा। छोटा था, बड़ा था? परसों आया था एक बड़ा सांप, कुछ टाइम पहले यहाँ ये सीढ़ी ऊपर तक आ गया था। मैं वहाँ पे मुंह धो रहा था, यहाँ तक आ गया था। ये धूप इतनी हो रही है तो धूप में सांप बहुत आते हैं। ये तो पैर हैर में लगने का डर लगती है। छोटा था क्या? दिखता है, दिखेगा भी नहीं छोटा छोटा, तो बड़ा तो खैर दिख जाता है। वहाँ तक छोड़ गया तू? मैं डरने से उसको फेंक दिया। अच्छा, मम्मी ने आज पूरी घास भी काटी है दीवार की। और घास इतनी जल्दी हो जा रही है ना, इतनी जल्दी घास हो जा रही है मम्मी, दो दिन में हो जा रही हूँ, पूरी काटनी पड़ रही। ऊपर पूरे तीन तीन खेत है ना, ऊपर पूरे ऊपर तक खेत है, नीचे से लेकर ऊपर तक तो सब काटनी पड़ती है। नीचे से लेकर ऊपर तक तीन तीन खेत है ना, ऊपर तक खेत ही खेत है, तो हर जगह घास हो जाती है। मतलब इतना बड़ा मकान हुआ है, अब मम्मी ने ही करना हुआ। मकान मालिक तो यहाँ रहते भी नहीं है, तो देखना हुआ तो मम्मी को सब मतलब घास वास सब ऊपर तक काटनी पड़ती जहाँ जो होगी। मतलब इतनी जल्दी घास बढ़ जाती है ना, अगर मम्मी नहीं काटेगी ना कुछ दिनों में ही पूरी जंगल जैसा बन जाएगा ना मम्मी, पूरा जंगल जैसा। मतलब थोड़े थोड़े देर में काटनी पड़ती। जिस जब हम आए थे पूरा खेत मतलब वो कुछ नहीं था इसमें, अब देखो इतने ऊपर तक सब्जियाँ गाबे वगैरह लग गए, गाबे पापड़ जो भी कहते हैं, दोनों कहते हैं उनको, पत्ते जैसे जो मैं दिखाए थे तुमको खेतों में लगे वो सब। ये देखो इतने सारे दाड़ी में तोड़ो की, सारे खेत के तोड़ दिए क्या मम्मी? सारे पेड़ के तोड़ दिए। श्राद्धों में चढ़ते हैं, दाढ़ी में चढ़ते हैं, वो तो कुछ भी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी चढ़ा सकते हैं, फल तो हाँ वो भी है। मतलब यदि कहीं भी खाओ खराब नहीं होते, तोड़ दिए तो एक बार सड़ेंगे नहीं है, ये भी अच्छा है। पेड़ पे तो सड़ जाएंगे, पेड़ पे तो सड़ जा रहे हैं ना। हाँ तो तोड़ के रख दिए, अच्छा है, सुखा के अभी खाओ ना, चटनी वटनी बनाओ खाओ, कुछ भी करो, ये अच्छा है। दाढ़ी में कई चीज सही लगनी, सड़ते नहीं है तोड़ने के बाद। अब मम्मी ने ऐसे रख दिए, कब तक चलेंगे? सूख जाएंगे थोड़ा। ये कब तक रह सकते हैं? ज्यादा नहीं रहेंगे, ज्यादा नहीं रहते, पक्का नहीं हो रहा है ना, सूख जाएगा फिर खा सकते हैं। ऐसे देखना अमरूद जैसा लगता है, ऐसे देखो ना, ऐसे देखें अमरूद जैसा लग। तो अभी चाय बनाते हैं, मम्मी गेरी की चाय बना दे, अभी बाहर अंधेरा होने वाला है, हुआ नहीं है अभी। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो होने वाला है पर अभी हुआ नहीं है। और वहाँ देखो छत में बच्चे बच्चे दिखेंगे, दिख रहे हैं तो देखता हूँ। और देखो पीछे छत है ना, उधर बच्चे मतलब पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है, फ्री फायर खेल रहे हो, इतने बच्चे हैं ना भाई साहब, दस दस तो होंगे कम से, इतने दस होंगे, भीड़ लग रही है, खेलने में लगे सब मिल के फ्री फायर। अरे फोटो शूट भी चलता है, फोटो दिख जाती है ना एफबी पे, जगह का अंदाजा आता है यहीं की, अगर तो सही हो रहा, बढ़िया हो रहा इनका भी। अभी मैं बनाता हूँ चाय, मम्मी बाहर घूम रही है क्योंकि अंदर वैसे आज गर्म तो नहीं हो रहा था, पर बाहर अच्छा हो रहा मौसम घूमने के लिए ना, शाम को तो मतलब बढ़िया रहता है। जैसे बाहर साइड शाम मतलब बाहर साइड तो गर्म रहता है ना हमेशा, तो यहाँ नहीं होता पहाड़ों में, तो दिन में गर्म हो भी रहा है भले ही इतना, पर शाम को ठंडा रहता है, हवा चलती है बढ़िया से। तो अभी मैं बाहर घूमते हैं, फटाफट चाय बना देता हूँ। मम्मी ने यहाँ पे मिर्च भी सारी भी तोड़ दी, उसके लिए गैस करो, इसके लिए अचार, अचार बनाना है इसका, मिर्च अचार बहुत टेस्टी होता है बहुत ज़्यादा। ये मिर्च इतनी तेज है ना हमारे खेत में लगी है, जो हालत ख़राब कर दे रही, बहुत ज़्यादा तेज है। फटाफट बनाता हूँ चाय, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। अरे मच्छरों ने इतना गंदा काट दिया ना पैरों में, अजीब ही कुछ ही कैसी हो गई है वो, और पीछे पीछे पता नहीं दिख भी नहीं रहा काट के जा रहा है, मच्छरों का बड़ा गंदा है यार ये। तो बाहर कैसे बैठे थे, देखो नहीं काटेगा किसी ने, तभी नहीं काटा, अरे हाथ में के भी तो हो रहे थे, पराठे तो ठंडे हो गए होंगे यार,
पराठे बना रखे मम्मी ने, उसमें खा लेना, खाए थे पराठे मलाई के साथ खा लो। चाय भी है ना थोड़ी, थोड़ा हल्का बहुत सही रहता है, ज़्यादा नहीं होगा। तो क्या कह रहे थे वो ऑपरेशन, क्या कह रही थी, तो ऑपरेशन के थे लेंस डालते हैं, पता नहीं क्या, कभी सस्ता डाल देते हैं, क्या जानते हैं, पता नहीं चलता। ऐसा कह रहे हैं लेंस, मसाजी कह रहे होंगे ना, कौन मसाजी हो, अच्छा क्या कह रहे लेंस, मतलब आयुष्मान कार्ड, ज्यादा महंगा कम का भी डाल देते हैं लेंस। हाँ। जो पापा के लेंस डालने वाले हैं ना मोतियाबिंद में, वो तो हम खुद लेके नहीं दे सकते उनको, ऐसा भी तो हो सकता है, डाल देते हैं सस्ते वाले नहीं है ना, डॉक्टर ऑपरेशन क्योंकि अभी नहीं होता कह रहे थे, पापा आएंगे कुछ टाइम बाद करेंगे ऑपरेशन, दिखा दिया है ऑपरेशन बाद में होगा कह रहे थे, डॉक्टर से बात बात होगी, अब पापा आ जाएंगे शायद कल परसों में, कुछ कुछ वो कुछ टेस्ट वगैरह भी कराए थे तो उसकी रिपोर्ट भी आने एक दिन, बाकी बाद में होगा ऑपरेशन, ये सब चीजें पता नहीं क्या दी है, मेरे को तो आइडिया नहीं है इस चीज का, पता होता तो बस बोलता कुछ लेंस वेंस का। पराठे ठंडे हो गए यार, मुझे लग रहा गरम गरम पूरे हो गए, घी घी के नहीं है, घी के बनाते हैं यार, घी नहीं, घी नहीं, वाह क्या मैसेज आ रहा है, स्पेस नहीं, एक ही मैसेज आ रहा है स्पेस नहीं। तो खाते हैं इसको, तू क्या खा रही, तू भी पराठे, अपने रोटी बना लेते हैं, हम दो ही हैं क्या करें, क्यों मम्मी अकेले बोरी अजीब सी लगता है, मम्मी अकेले अकेले घर में जैसे ऐसा बोरियत सी लगती है, मतलब सब पूरा परिवार होता है तो अच्छा लगता है ना। अब जो अकेले रहता है उसको पता होगा कि कैसा होता है, खैर मैं मम्मी है घर में, पर जैसे पूरा परिवार होता है ना तो अलग चीज होती है, हम दोनों मतलब कुछ खास ही नहीं, अजीब सा लग रहा है घर में, सब होते तो सब अलग ही, मतलब बातचीत होती है, वो होता है, वो होता है, हर चीज होती है, पूरा परिवार साथ में होता है, तो हाथ एक हाथ में एक हाथ में, मैं बार बार गोरिल्ला पॉड में देखा, तो ज़्यादा इसको मंगाने वाला हूँ मैं मंगाना भूल जा रहा हूँ, मंगा दूंगा कल पक्का मंगा दूंगा, उसकी बहुत जरूरत है, हाथ में पकड़ के ना इजी होता है और एंगल भी सही मिलता है, इसमें नहीं मिल पा रहा यार, और अजीब सा लग रहा है उसमें, सही रहता है तो उसको मंगा लूंगा। तो वही बज गए 11, खाना वाना खा लिया है, अब मैं जाता हूँ सोने के लिए, खुशी हो रही है, पता नहीं किसका, पता नहीं सकता, कुछ पर्सनल है। तो आज करता हूँ, आपको आज का लोग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, खुल के सब्सक्राइब करो, शेयर करो दबा के, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about.